हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि सोमयापैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल स्टोन के बारे में। गॉल स्टोन यानी गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, यानी आपके पित्त की थैली में होने वाली पथरी की समस्या के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जो पित्त की थैली होते हैं उसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। लिवर के साथ साथ ये आपके डाइजेशन में हेल्प करती है, यानी लिवर और गॉल ब्लैडर मिल करके आपके डाइजेशन से रिलेटेड सारे प्रोसेस को पूरा करते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो लिवर होता है वो अपने सीक्रीशंस, यानी जो चीज़ें लिवर बनाता है वो गॉल ब्लैडर को दे देता है, वहाँ पर पहुँचा देता है, सो दैट कि वहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके लिवर का स्टोर हाउस होता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर और लिवर दोनों ही आपके दाहिने साइड में, दाहिने हिस्से में होते हैं। तो जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ही कॉमनली डायग्नोसिस में आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम हो रही है और ज़्यादातर ये जो परेशानी होती है महिलाओं में होती है। इसका कारण अगर हम बात करें तो खाने पीने का जो चलन है वो बिल्कुल बदल गया है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी है, बहुत तरह की दवाइयाँ हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं गॉल स्टोन के फॉर्मेशन के लिए, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर गॉल स्टोन्स की है तभी भी चांसेस होते हैं कि ये स्टोन्स बन सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, पहली बार कंसल्टेशन लेते हैं और सबसे पहले ही पूछते हैं कि क्या ये दवाइयों के साथ हट जाएगा, क्या मुझे इसकी सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी पेशेंट नहीं चाहेगा कि जो चीज़ दवा से ठीक हो सकती है उसके लिए सर्जरी लेना पड़े। तो गॉल स्टोन की अगर हम साइजेस की बात करें कि किन किन स्टेजेस में आपको ये दवा के साथ ठीक हो जाएगा, किन किन स्टेजेस में इसके लिए सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो आपका गॉल स्टोन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो दो तरह के जो चीज़ें होती हैं उससे ये गॉल स्टोन्स बनते हैं। एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बाइल पिगमेंट्स। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है अगर आपके शरीर में बढ़ जाता है, यानी लिपिड प्रोफाइल कराया आपने, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आपके बढ़े हुए होते हैं, तो चाहे तो आपको गॉल स्टोन्स हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि आपको गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। क्योंकि वही जो कोलेस्ट्रॉल होता है अगर लंबे समय तक हमारे गॉल ब्लैडर में बना रहता है तो जो बाइल होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको यूज़ नहीं कर पाता, और उसी के कारण क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है उन कोलेस्ट्रॉल्स की, और वो आपके स्टोन्स फॉर्मेशन में आ जाते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं ज़्यादातर 80-90% केसेस में जो गॉल स्टोन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल के बने ही ज़्यादातर स्टोन्स गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स यानी वो चीज़ें जो आपके रेड ब्लड सेल यानी आपके जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनके टूटने से बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, उसके कारण भी स्टोन्स बन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के कारण 20% आप मान के रखिए कि बाइल पिगमेंट के कारण बनते हैं, जो कि थोड़े साइज में छोटे होते हैं और ये देखने में ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर के होते हैं, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द RBC से ये बनते हैं। जो आपके कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, व्हाइटिश या येलोइश कलर के हो सकते हैं। तो दो तरह के स्टोन्स होते हैं और दोनों तरह के स्टोन की फॉर्मेशन अलग होती है, दोनों के साइजेस अलग होते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन से स्टोन के साइजेस हैं जिसके लिए आपको शांत रहना चाहिए, आप चुपचाप उसको ऑब्जर्व करिए, या बहुत सारे केसेस में किस केस में आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि जो आपके गॉल स्टोन के साइजेस हैं अगर वो 5 mm से छोटे हैं तो आप उसको दवाइयों के साथ निकाल सकते हैं। जो 5 से 10 mm के साइजेस हैं उसको कुछ समय तक आप दवाई से ट्राई कर सकते हैं, अगर वो नहीं निकलता है तब आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। और जो 10 mm से बड़े स्टोन्स होते हैं वो किसी भी तरह से आपके दवाइयों के साथ नहीं जाएंगे, उनके लिए आपको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा, जिसको आप लैप्रोस्कोपी से करा सकते हैं, और 30-40 हज़ार का खर्चा आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं, किस तरह के आप हॉस्पिटल को अप्रोच करते हैं, लेकिन अगर बहुत छोटे स्टोन्स हैं तो आप बेशक दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन 5 mm से छोटे होने चाहिए, उससे बड़े साइजेस के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। देखिए, जो गॉल स्टोन्स होते हैं ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि गॉल स्टोन्स शांत रहते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं देते, कोई लक्षण नहीं देते हैं। आपने किसी और चीज़ के लिए अपना अल्ट्रासाउंड करा, उसमें पता चला कि भाई आपको तो गॉल स्टोन भी हैं। तो अभी ऐसे केसेस में क्या करना है कि अभी शांत रहना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अगर साइजेस कम होते हैं तो कोई सिम्टम्स नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तब आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है।
अगर हम गॉल स्टोन के सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या लक्षण आपको गॉल स्टोन्स में देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहला है कि आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में दर्द होता है, यानी आपका जो दाहिना हिस्सा होता है वहाँ पर दर्द होता है। कई बार ये दर्द बहुत तेज हो सकता है। ये जो दर्द होता है उसके साथ आपको जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, फीवर हो सकता है, भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग का मन करना, नौजिया जिसको हम बोलते हैं, या वॉमिटिंग भी होती है जिसमें पित्त बहुत ज़्यादा निकलता है, मलेज रहना, दिन भर शरीर थका थका रहना, नींद हमेशा नींद नींद आते रहना, खाना नहीं पचना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, गैस बहुत ज़्यादा बनना, फैट वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खा पाना, बिल्कुल इनडाइजेशन हो जाना, डायरिया या लूज मोशन भी हो जाना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं गॉल स्टोन के। लेकिन पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है हल्का हल्का या तेज दर्द आपके दाहिने साइड में। तो ये सारे लक्षण हो गए जो आपके गॉल स्टोन्स के हो गए। साइजेस मैंने बता दिया किसमें आपको मेडिसिन के साथ हेल्प मिलेगी। अब सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उसकी बात करते हैं कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको गॉल स्टोन्स कॉलिक है या गॉल स्टोन्स है। तो सबसे पहले तो डाइटरी चेंजेस में आपको वेट रिड्यूस करने पर ध्यान देना है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लेनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पियेंगे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और जो बाइल है वो ज़्यादा, जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होगी, जो एम्प्टिंग ऑफ दी गॉल ब्लैडर होती है, यानी अपना जो गॉल ब्लैडर वो अच्छे से काम करे, जितना कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर है वो पूरा आउट करता रहे, इकट्ठा ना करे, सो दैट क्रिस्टलाइजेशन को रोक सके। तो ऐसे केस में पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है, एक्सरसाइज आपको करना है, बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं करनी है, फल और सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपका जो डाइट होना चाहिए वो फल और सब्जियों का मेन एक कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे खट्टे फल हैं बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए, आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर, ये जो स्पेशल जो एप्पल यानी सेब का जो सिरका होता है वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को और पतला करने में हेल्प करता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। लेमन अगर आप लगातार लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टोन्स है एक बार अपने उसको निकलवा दिया उसके बाद फिर से स्टोन्स बन जाते हैं, तो कई बार डॉक्टर क्या करते हैं एक साथ ही आपका गॉल ब्लैडर पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। तो अभी गॉल ब्लैडर में अगर ये प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है, बार बार स्टोन्स बन रहे हैं, तो आप लेमन वाटर को लेते रहेंगे तो इससे जो फॉर्मेशन ऑफ दी स्टोन्स है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उतना जमा नहीं होता है या पतला रहता है, सो दैट उसके क्रिस्टल्स नहीं बन पाते हैं। उसके साथ में शुगर की चीज़ें आपको कम से कम लेनी है, जो सोडा की चीज़ें हैं जिससे और ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ दी स्टोन्स हो सकती है वो भी आपको अवॉइड करना है। तो डाइटरी चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप अर्ली एज में हैं, 20s में हैं, 30s में, उसके बाद आपको स्टोन्स जो है डायग्नोज हुए हैं, तो आप पूरा जब अगर गॉल ब्लैडर रिमूव करवा देते हैं तो बहुत समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। एक फिक्स्ड डाइट ही आपको लेना पड़ सकता है, बहुत सारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप फैट वाली चीज़ें खाएंगे, तला भुना खाएंगे, आपको इनडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, बर्पिंग, ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। तो कोशिश करें कि आप अपने गॉल ब्लैडर में अगर आपके स्टोन्स हैं तो इनिशियली जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट लें, अगर छोटे हैं तो ऑब्जर्वेशन में रखें, खूब सारा पानी पिएं, खट्टे फल खाएं, डाइटरी चेंजेस करें, और बहुत हद तक आपके स्टोन्स निकल भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपके जो स्टोन्स हैं वो किस टाइप के हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मेडिसिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो दवा ऐसे केसेस में दी जाती है वो है चेलिडोनियम। अब चेलिडोनियम नाम की दवा दी जाती है जहाँ पर आपका लिवर और आपका गॉल ब्लैडर दोनों में ही प्रॉब्लम है। लिवर में भी इन्फ्लेमेशन दिख रही है, लिवर के साइज में चेंजेस दिख रहे हैं, आपको सही से जो लिवर एंजाइम्स है वो अप डाउन लग रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप चेलिडोनियम के ले सकते हैं, जहाँ पर आपका SGOT, SGPT भी बहुत ज़्यादा अल्टर्ड हो गया है। पेशेंट को हमेशा गर्म गर्म चीज़ें खानी अच्छी लगती हैं, और जो दर्द होता है वो राइट अपर क्वाड्रेंट से लेकर पीछे की तरफ जाता है, स्कैपुला की तरफ जाता है, ऐसे केसेस में आप चेलिडोनियम ले सकते हैं। जो दूसरी दवा है जो मैं ऐसे केसेस में देती हूँ वो है लाइकोपोडियम। ऐसे केसेस में जहाँ पर गॉल स्टोन के कारण, वैसे दर्द तो आपको बहुत तकलीफ नहीं देता है, लेकिन आपको गॉल स्टोन्स हैं, आपको डायग्नोज हो चुका है, लेकिन आपको खाया पिया कुछ नहीं बचता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, स्पेशली लोअर पार्ट जो होता है आपके पेट का वो हमेशा गैस से भरा रहता है, इरिटेशंस भी होती हैं लेकिन ज़्यादातर फ्लेटस आपको निकलता रहता है, खाना खाने इच्छा तो होती है लेकिन अब जब खाना खाने बैठते हैं तो खाना देखते ही मन एकदम भर जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लाइकोपोडियम को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट दवा होती है वो कैल्केरिया का। ऐसे लोग जिनकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है,
बहुत ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, और उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है बहुत स्लो होता है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो उन केसेस में अगर गॉल स्टेम के केसेस देखे जाते हैं तो वहाँ पर हम कैल्केरियाकार्ब नाम की दवा को दे सकते हैं। अगली जो दवा है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये जो दवा होती है किडनी स्टोन्स और गॉल ब्लैडर स्टोन दोनों में इक्वली दी जाती है, उतनी ही इफेक्टिव होती है। तो बर्बेरिस वल्गैरिस को दिया जाता है ऐसे केसेस में जहाँ पर स्टोन्स की फॉर्मेशन हो चुकी है और वहाँ पर स्टोन्स को ब्रेक भी कर सकती है और उनको पिघला के निकाल भी सकती है, तो बर्बेरिस वल्गैरिस को भी लिया जा सकता है। अगली जो दवा है वो है कोलेस्ट्राइनम। कोलेस्ट्राइनम दवा जो होती है वो गॉल ब्लैडर के अंदर वाले जो म्यूकोसा होते हैं, जो एपिथीलियल म्यूकोसा होते हैं, उनसे ही बनाई जाती है, यानी एक सारकोड है। और इस दवा को दिया जाता है ऐसे केसेस में जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल के हों, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए हों, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन और नाउजिया वॉमिटिंग जैसे समस्या बनी होती हो, तो वहाँ पर कोलेस्ट्राइनम की दवा को दे सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को डाउन करती है सो दैट पिगमेंट के जो साइज़ है, जो आपके स्टोन्स की साइज़ है, वो वापस दोबारा ज़्यादा बढ़ती नहीं है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है फेल्टूरी। फेल्टूरी जो दवा होती है वो बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं, जो बिलीरुबिन होता है, जो बाइल होता है, उसको पतला करने में हेल्प करती है, सो दैट बाइल पिगमेंट्स के जो सॉल्ट जो स्टोन्स होते हैं वो कम बनते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट दवा है वो है गटेरिया गमेरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, एक ऐसी दवा जिसको मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। इसको मैं मदर टिंक्चर फॉर्म में देती हूँ ऐसे केसेस जहाँ पर लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों इन्वॉल्व हैं, लिवर के भी जो फंक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, आपके गॉल ब्लैडर हैं वो भी बहुत वीक हो गया है, स्टोन्स को फॉर्मेशन हो गई, तो गटेरिया गमेरी के आप दे सकते हैं। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं तो आप सिम्टम्स के हिसाब से भी दवा दे सकते हैं, अदरवाइज इमीडिएट रिलीफ करने के लिए आप गटेरिया गमेरी और बर्बेरिस वल्गैरिस के क्यू फॉर्म यानी मदर टिंचर फॉर्म को दे सकते हैं। बाकी की जो दवाइयाँ हैं वो उसको 30 पावर में चार चार बूंदे दिन में तीन बार ली जा सकती हैं। जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं ये कई बार इमरजेंसी पेन दे सकते हैं या कई बार इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, यानी बहुत लंबे समय तक अगर आपने गॉल ब्लैडर का स्टोन का ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है गॉल ब्लैडर का, या गॉल ब्लैडर कैंसर्स भी होने के चांसेस होते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है इस प्रॉब्लम को, आपको वेट एंड वॉच करना है, बहुत जल्दबाजी ना करें ऑपरेशन कराने की, क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद बहुत परहेज वाला खाना खाना पड़ेगा जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले होम्योपैथिक दवाइयां लें, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत बड़े साइजेस के लिए आप होम्योपैथिक दवाइयां ना लें क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गॉल ब्लैडर स्टोन्स की और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अगर आप मुझसे फ़ोन कंसल्टेशन या जूम कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विशिंग वेरी गुड हेल्थ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।